हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने 50 लाख के नशीले इंजेक्शन और टैबलेट्स की खेप के साथ दो मास्टरमाइंड सप्लायर को गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से पुलिस नशे के इस नेटवर्क के खुलासे के लिए काम कर रही थी। वहीं पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों शेख महबूब और नारायण दीप नाम के दो आरोपी पकड़े गए थे। बता दें कि इनसे पूछताछ में यह पता चला कि तापस कुमार परीडा और समीर कुमार बरड़ छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों में नशे के सामान की सप्लाई करते हैं और इनकी सूचना पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों की पतासाजी की। जब उनकी ओडिशा के भुवनेश्वर में होने की सूचना मिली तो टीम यहां से रवाना हुई और उन्हें वहां पर घर दबोचा गया। तो राजधानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओडिशा से रायपुर लाए गए हैं दो गिरफ्तार। बता दें आपको कि गिरफ्तार किया गया है तस्करों को और इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। भुवनेश्वर में जाके रेड प्लान करके कार्रवाई की गई और उनके आधिपत्य से लगभग 40 से 50 लाख रुपए की प्रति मार्केट वैल्यू प्रतिबंधित दवाइयां, इंजेक्शंस लगभग 3100 पेंटाजोपिन इंजेक्शंस, अल्ट्रासैक्स दवाइयां जो मिली हैं, ये एक अच्छी सफलता है। दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड के पश्चात वो यहाँ पर कहाँ सप्लाई लाइन देते थे उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। तो राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 लाख के नशीले इंजेक्शन और टैबलेट्स की खेप बरामद की गई है। इसके साथ ही दो मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा से गिरफ्तार करके दोनों ही मास्टरमाइंड को अब रायपुर लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों में नशीले पदार्थ की सप्लाई ये मास्टरमाइंड किया करते थे। आपको बता दें कि काफी दिनों से पुलिस नशे के इस नेटवर्क के खुलासे के लिए लगातार काम कर रही थी और अब जाकर यह बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। तहसीन, अगर बात करें नेटवर्क की तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस नेटवर्क को क्रैक किया जाए और अब जाकर यह सफलता हाथ लगी है, दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए हैं। हेलो चेक चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से संपर्क करने की, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नशे की तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 50 लाख के ड्रग्स के साथ दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए और यह माना जा रहा है कि अब इन मास्टरमाइंड के गिरफ्तार होने के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ओडिशा से इन तस्करों को गिरफ्तार करके अब रायपुर लाया जा रहा है। बड़ी कामयाबी एक बार मिली है। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, एक बड़ी सफलता रायपुर पुलिस को मिली है आज। तहसीन, मेरी आवाज अगर आप तक इसको बड़ी सफलता ही कह सकते हैं क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य का ये सबसे बड़ा जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, अभी तक की छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी ये खुलासा पुलिस ने किया है। इसमें अगर बात करें तो ये प्रतिबंधित नशीली टैबलेट व इंजेक्शन जो का मुख्य सप्लायर कह सकते हैं, सरगना कह सकते हैं, उसको पुलिस ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। अगर बात करें तापस कुमार परीडा और समीर कुमार बरड़, इन दो को भुवनेश्वर से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है और इनके पास से करीब 50 लाख रुपए की नशीली टैबलेट, नशीले इंजेक्शन जो प्रतिबंधित हैं उनको बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता यहां पे रायपुर पुलिस को मिली है और जिसका खुलासा करते हुए जो आईजी रायपुर रेंज हैं आनंद छाबड़ा, उन्होंने बताया कि ये जो तापस कुमार जो परीडा है,
इसको भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें तो जो एक नेक्सस खुला था उसमें शेख महबूब और रवि नारायण दीप ये उड़ीसा के तस्कर, ये इनको गिरफ्तार किया था। इनके पास से भारी मात्रा में टैबलेट बरामद की गई थी, इंजेक्शन बरामद किए गए थे और जो प्रतिबंधित हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये जो तापस कुमार परिडा जो है ये मेन सप्लायर है, भुवनेश्वर से ये सप्लाई करता है और खास तौर से छत्तीसगढ़ इसका जो है मुख्य केंद्र है और यहाँ के जो कई लोग हैं वो उसे सामान मंगाते हैं और सामान लेने जाते हैं। तो उसके बाद एक टीम तैयार की गई, उसके बाद जो एक टीम ने वहां दबिश दी क्योंकि पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद वहां दबिश दी गई। तो दबिश देने के बाद उसको तापस कुमार को और जो उसका एक साथी है बरड़ उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और अभी यहाँ पे खुलासा हुआ है। खुलासा होने के बाद पुलिस उसको जो है रिमांड पे ले रही है, क्योंकि उससे जिस तरीके से आईजी रायपुर रेंज खुद इस बात को बता रहे थे कि इससे पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाएगा और रिमांड में जो है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए ये बड़ी चीज है कि जो कहां से आता है, क्योंकि इसके जो मुख्य सप्लायर हैं छोटे छोटे तो हमेशा से पकड़े हैं, लेकिन अभी जो है ये तापस कुमार को जब पकड़ा है तो ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सफलता। और इससे अभी जो आने वाले दिनों में जो रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी, कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो यहाँ लोकल उनसे मंगवाते थे, जो प्रतिबंधित नशाओं के जो सौदागर हैं वो लोकल नाम सामने आने की बात पुलिस कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि तापस कुमार सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस का ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये कई राज्यों में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई यहाँ पे भी ये नशीले टैबलेट और जो टैबलेट जो प्रतिबंधित टैबलेट्स हैं उनको बेचता था और वहां सप्लाई करता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता यहाँ पे हासिल की है कि जो कई राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड है तापस कुमार परिडा और उसका जो साथी है समीर कुमार बरड़, इसको गिरफ्तार किया है और अभी इनको कोर्ट में पेश किया है और इनसे जो आने वाले दिनों में जो रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे और कई बड़े लोकल सौदागरों के जो नशे के सौदागर हैं उनके नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, तो बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी और लगातार पुलिस कोशिश भी कर रही थी इस नेटवर्क को क्रैक करने की और अब पूछताछ में मास्टरमाइंड से नेक्सस के और भी कई लिंक्स मिल सकते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।